Welcome back to the channel, everyone. Today is the 18th August 2018. कितने लोग यहाँ पे हैं जो सपने देखते हैं और कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो दिल से सपना देखते हैं। आज एक मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको यूएस में शोरलू? आसिम भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। दो महीने के बाद बाहर आए। सच में दो महीने के बाद जांच पे पहली बार अभी पैर बाहर रख रहे हैं। After 2 months we are going outside in US. Just my Walmart. That's a nice शॉपिंग सेंटर। वॉलमार्ट बेस्ट बाय ओवर द यूएस। बहुत ही अच्छे अच्छे शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे यूएस में। इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो बेस्ट बाय द बेस्ट, एंड नॉर्मल शॉपिंग वॉलमार्ट में अच्छा हो जाए। शॉपिंग का ये गेम स्टॉक टी मोबाइल है। देखो, मैं देखा था नेट पे टी मोबाइल डॉलर वाला भी है वो, उसमें लेकिन शाही मिलेगा सिम कार्ड। इधर किधर वॉलमार्ट है? थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज संकेत हियर। टुडे इज द 14th August 2018 एंड वी आर इन यूएसए पोर्ट जयस्मार राइट नाउ इन सिटी समवेयर इन जयस्मार। और फाइनली यहाँ पे टी मोबाइल पे सिम कार्ड मिल गया है और अच्छा शॉप है, मोबाइल वगैरह सारा एसेसरीज स्पीकर। सिम कार्ड का प्राइस बहुत सही है, $20 अनलिमिटेड इंटरनेट। कितने लोग यहाँ पे सपने देखते हैं और पूरे दिल से देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो द ड्रीम। लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कार लेना है, बिजनेस और कुछ भी एनीथिंग, जस्ट शेयर योर थॉट। मैंने भी एक सपना देखा था यूएस आने का। इस बार एक्चुअली मैं यूएस आ चुका हूँ, पहले नासा जा चुका हूँ, वैंकूवर गया हूँ, लॉस एंजलिस गया हूँ और इस बार आने का कुछ मकसद था, वो आपको समझ आएगा जैसे जैसे ये वीडियो ख़त्म होते जाएगा, अगर एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। सो देखते क्या होता है। यस, वेरी एक्साइटेड। अभी बात आई है सपनों की, तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा मेरी पर्सनल लाइफ। जैसा हम लोग सोचते हैं लाइफ में, जैसा हम लोग थिंकिंग करते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं और जिस हिसाब से हम लोग नेचुरल बिहेव रहता है, उसी तरह लाइफ अपनी लाइफ चलती रहती है। मेरी स्ट्रगल टाइम का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। स्ट्रगल करते करते हम लोग मतलब मैं और मेरे तीन फ्रेंड हम लोग एक ही रूम में रहते थे नाला सोपारा में, और स्ट्रगल करते करते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी एक डेढ़ साल खर्चे करने के लिए पैसे नहीं थे मुंबई में, आपको पता ही है। और लोगों ने बस सोचना यही चालू किया था कि कोई भी शिप मिले, कैसा भी शिप मिले, बस जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो। 1.5 ईयर हम ऑलमोस्ट हमारा चला गया था बीच में और कोई शिप का ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा था। फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और एक ऐसा कंपनी से, ईस्ट इंडिया आपने सुना ही होगा, उस टाइम पे थोड़ा फेमस था, 2013 की बात है। और उस टाइम पे मैंने
ईस्ट इंडिया से ज्वाइनिंग किया और विद इन अ वन मंथ यू विल नॉट बिलीव, अभी तक ये मैंने स्टोरी कहाँ पे शेयर नहीं किया है, और विद इन अ वन मंथ ज्वाइनिंग किया मैंने 27 जुलाई ऑन माई बर्थडे, पहला शिप मैंने ज्वाइन किया 27 जुलाई 2013 और उसके बाद 28 अगस्त को मेरा साइन अप हो गया था. दैट वाज वेरी टफ पॉइंट फॉर मी, आगे का स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा. बड़ी जोरों से शॉपिंग चल रही है, आधे घंटे से घूम रहे हैं, कुछ अभी तक कुछ लिया ही नहीं है बस घूम ही रहे हैं. सिम कार्ड मिला नहीं तो लगे सब चालू हो गए, फेसबुक व्हाट्सएप. तो अभी प्रॉपर शॉपिंग करना पड़ेगा. चल साहब फोन रख दो, अभी प्रॉपर शॉपिंग करेंगे. और वी वांट टू टेक 1 kg आलमंड. 1 kg या फॉर बड़ा साहब. एक्चुअली जो लिस्ट बना के लेके आया था मैं शिप से, भूल ही गया किधर लिस्ट पता नहीं किधर गया, और मैं क्या क्या लिखा था सब भूल गया. अभी इधर खाने पीने अभी मैं फालतू में पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ लेना है उसमें मैं पैसा सेव कर रहा हूँ. ये देखो इधर, ये साइड में चिप्स क्या चॉकलेट्स. अरे ऊपर बोर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग, ऐसे ही घूम रहे हैं. सो सी यू आफ्टर थोड़ा शॉपिंग. तो अभी फाइनली थोड़ा प्रॉपर से ये होगा, शॉपिंग होगा. पहले से ही इतनी लाइफ की बैंड बजी पड़ी थी और एक ही महीने में साइन अप हो गया था, वही ऊपर से इतना एजेंट को पैसा दिया था और एक महीने में साइन अप हो गया. यू गाइस कैन रियलाइज द थिंग, अभी भी यही हो रहा है कुछ लोगों के साथ. फिर से मुंबई में 2 महीने धक्के खाए, घर पे भी नहीं गया मैं. और कैसे जाता है एक महीने में घर पे आया, पहले घर पे तो बड़े जोरों से दुबई गया था बेटा और एक महीने में चला आया. सो मैं घर पे भी नहीं गया, मुंबई में रहा और उसको कंटिन्यूसली कॉल कर करके इतना परेशान हो गया था मैं. फिर भी 2 महीना लग गया ज्वाइनिंग के लिए नेक्स्ट. और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा शिप पे ज्वाइनिंग हुआ जो शिप चलता ही नहीं था. देन आफ्टर इराक में 9 महीने मैंने एंकर पे निकाले और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है ये. 9 महीने एंकर पे निकालने के बाद वहाँ पे मैंने सपने देखे, कुछ काम नहीं था वो शिप पे, बस हम लोग बैठे रहते थे. था ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम था थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं था. तो वहाँ पे मैंने सपने देखे. आई रिमेंबर कि वहाँ पे मैंने अर्ली मॉर्निंग 4 से 8 ड्यूटी में मैं अर्ली मॉर्निंग में आफ्ट डेक पे बैठता था और वहाँ पे सनसेट और सनराइज़ का आनंद उठाता था. और वहाँ पे बसरा टर्मिनल था इराक में, हमारे शिप से उधर बड़े बड़े शिप दिखते थे, बड़े बड़े शिप लाइक VLCC, ULCC एंड 60,000 मोर देन एफ्रामैक्स शिप्स. और मैं सपना देखता था यार ऐसी शिप, बड़ी शिप मिल जाए. एंड यू गाइस कांट बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड इन SCI एंड मुझे मिला लगभग 280 मीटर का शिप और वो था 65,000 GRT का, बहुत ही बड़ा वेसल था, मेरे लिए अब तक के करियर का सबसे बड़ा वेसल वही था. सो सपने देखो और पूरे दिल से देखो और उसको ट्राई करो उसको पूरा करने का, बिकॉज यू नेवर नो द फ्यूचर, आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है. जूते की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे, लेकिन कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है अभी तो, बहुत महंगा प्राइस है. फाइनली वी आर डन विद शॉपिंग और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलते थोड़ा कुछ खाते हैं. यहाँ पे सीमेन क्लब है, देखते हैं क्या है सीमेंट क्लब में. और वॉलमार्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत टाइम लगता है उसको शॉपिंग के लिए और अच्छा है. और जो चीज़ मैंने लेने का प्लान किया है वो हुआ नहीं है, इधर अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसको जाने के लिए बेस्ट बाय जाना पड़ेगा. देखते हैं अभी नेक्स्ट पोर्ट. बैड लक, सीमेंट क्लब बंद है. और बड़ी भागदौड़ के बाद फाइनली बर्गर किंग ने सहारा दिया है बहुत भूख लगा था. ये भेजे
अभी ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्या बोलते हो गाइस? After taking bunker, food from burger and burger. ये फोर्थ इंजीनियर को बस बंकर की याद आएगी. अभी बंकर होगा अगले फोर्ट में. और अभी थोड़ा और शॉपिंग कर लेते हैं. छोटा छोटा शॉप किधर था? ये सामने. अभी टाइम है तो थोड़ा शॉपिंग और कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे लेनी थी वो फिलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पोर्ट पे देखेंगे. ओके, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक पवेलियन, मतलब शिप पे या फिर टैक्सी. एंड या अरे मैं बैठू किधर? सब इधर ही रख दिए. पीछे डाल देना भाई. अरे यार, आजा आजा इधर, ये हो गया. हेलो, फाइनली दो महीने के बाद का आउटिंग हो गया है अपना. बहुत थक गए सब लोग. क्या बोलते हो भाई लोग? पीछे भी देखो, कोई कोई बात भी नहीं कर रहे. 6 बजे पहले टैक्सी नहीं आएगा साला. ये पीछे वाला गेट भी नॉन रिटर्न है. उधर से अंदर आ सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर जा नहीं सकते. तो अभी सिक्योरिटी को कॉल किया है, आएंगे. एक बंदे ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं दे रहा है एंड ऑल. सो अभी इनको कैसे समझाए कि यहाँ पे बस लिमिटेड 500 MB पर मंथ इंटरनेट है. जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो पर्सनली जानते हैं और डेली का अपडेट है, उनको पता है सब. लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे वो लोग को थोड़ा पता नहीं है. अभी जो शिप पे है 500 MB पर मंथ, और उसके बाद जो MB चाहिए परचेस करके लेना पड़ता है. सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको थोड़ा बहुत अपडेट मिल जाएगा. और इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा, क्योंकि 500 MB में नहीं पॉसिबल होता. और ये आईफोन तो इतना कंज्यूम कर लेता है MB, पता नहीं कैसे सब. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट अपडेट. और अभी अभी मुझे थोड़ा नया शौक लगा है. इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करता हूँ, अच्छा है तो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ 1 मिनट का वीडियो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम पे अपलोड होता नहीं है. और हाँ, सब सही है. इंस्टाग्राम पे भी मज़ा आता है बात करने से आपको, और यूट्यूब पे कमेंट में तो ऑफकोर्स मज़ा आता ही है, क्योंकि इतने सारे लोग कमेंट करते हैं. तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आप भी मज़ा आएगा. और सम लेडी इज़ गोइंग टू कम हियर टू चेक आवर बैग्स एंड उसके बाद ही हम लोगों को एंट्री मिलेगा. गेट खुल गया है, अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा शिप पे जाने तक. तो मिलते हैं. बैक टू द कैबिन. और सैडली जो मैं चाह रहा था, जो कुछ लेना है वो नहीं हो पाया. और लेकिन कोई बात नहीं, आई एम श्योर अगले पोर्ट में हो जाता, या भी हो जाता. लेकिन हम लोगों ने पहले इतनी भाग दौड़ कर ली थी और इसके बाद फिर से बेस्ट बाय जाना वो बहुत दूर था. तो मैं बोला छोड़ो अभी, क्योंकि अभी आया हूँ मैं, 5:30 बज गया ऑलमोस्ट, और अभी जाना है ड्यूटी पे. मेरी वॉच चल रही है, 4 से 8 मेरा ड्यूटी रहता है. और इतना थक गए हम लोग, फिर भी अभी जाना पड़ेगा. सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना. जो भी मैंने कुछ कहा स्टार्टिंग में वो पूरे दिल से था मेरे. और एक ही चीज़ मुझे बोलनी थी इस वीडियो के पीछे, आपके सपनों को जीना सीखो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट टुमारो इज़. और आगे एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं उसमें जी रहा हूँ. और ये मैं आपको कभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस सपनों को शेयर किया जाएगा तो उसकी एनर्जी तो थोड़ी कम हो जाती है. सो मैं उसको शेयर नहीं करूँगा. लेकिन है कुछ कि सीमेंट लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, जो भी अभी चल रहा है एजेंट लोगों का. और बहुत सारे सीमेंट, बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट नए जिनको कुछ इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, एजेंट लोग इतना फंसा रहे उन लोगों को. आगे डेफिनेटली कुछ करने का ट्राई है मेरा, और मैं बहुत दिन से
उसके ऊपर सोच रहा हूँ और बस उसके ऊपर ही काम चल रहा है. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. होप विल सून, वेरी सून, इन नेक्स्ट वीडियो, इन न्यू प्लेस, इन न्यू सिटी. टिल देन बाय बाय. क्या कह रहा था मैं, या शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो.